ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊं अगर कभी कहना पड़ जाए सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरों लोगों की, ये हाथ छुड़ाएंगे ना हाथ पकड़ने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हम पे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतनी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हम पे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतनी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत के जवानों से। मुझे पता है वो जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। थैंक यू। थैंक यू संगीता कुमारी। संगीता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जोहार आप सभी को। आज के जीके क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज के जीके का सबसे पहला प्रश्न, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपके लिए एक एडिशनल प्रश्न है, आपका हॉबी क्या है? आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर आप बनना क्यों चाहती हो? सर बचपन से सपना है। कुछ ख्वाहिश तो होगा ना कि आईएएस ऑफिसर बनकर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, या कुछ वैसा काम है जो हम कर सकते हैं? पापा का सपना था कि आईएएस ऑफिसर बने। थैंक यू। प्रेमलता कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके क्विज का सेकंड क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हम लोग जानते हैं कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तीन में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आज के जीके क्विज का थर्ड क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। थैंक यू, आपका आंसर सही है। कली कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और आपके लिए भी एक एडिशनल प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम 13 अप्रैल को है, आप तैयारी किस प्रकार कर रही हैं? तैयारी अच्छे ढंग से कर रही हूँ। कितना परसेंट मार्क्स आने की उम्मीद है? 95%। 13 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम है, कुछ अंदर से संकोच डर कुछ वैसा महसूस हो रहा है? नहीं। थैंक यू, कली कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सर,
खूबसूरत। थैंक यू, आपका आंसर सही है। कीर्ति कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आपके लिए एक एडिशनल प्रश्न है, आपको खाना बनाना पसंद है? आपको खाना बनाना पसंद है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? खाना बनाना प्रत्येक बच्चों को सीखना चाहिए, क्यों ना वो लड़का हो। लड़की को तो सीखना ही चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए कि कभी यदि वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है और यदि वो खाना बनाने के लिए जानता है तो स्वयं खाना बना सकता है, खा सकता है और अपना स्कूल कॉलेज कोचिंग जा सकता है। होटल का खाना खाकर बहुत अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। इसलिए खाना बनाना सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। थैंक यू कीर्ति कुमारी के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 5, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? सर। आ सकती हूँ? हॉकी। थैंक यू, आपका आंसर सही है। संगीता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, ताली बजाइए। हाथ में ताकत नहीं लग रहा है, ये हुआ बात। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? और कोई नहीं है। इस प्रश्न का आंसर है मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जिया कुमारी को बुलाते हैं। आंसर देने का इसे बहुत कम मौका मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, सामने आओ और इधर देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थैंक यू, आपका आंसर सही है। जिया कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और आपके लिए एक एडिशनल प्रश्न है, पढ़ाई से संबंधित है। आपका बोर्ड एग्जाम 13 अप्रैल को होने जा रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी। अच्छी है। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है, आपको कितना परसेंट मार्क्स आने का उम्मीद है? 99%। थैंक यू, जिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इनका तैयारी बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे भी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? काली युद्ध। थैंक यू, आपका आंसर सही है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 9, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? और भी कोई आंसर जानते हैं? आ सकती हूँ? नहीं। और कोई? वैशाली में। थैंक यू, आपका आंसर सही है। प्रेमलता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडा ग्राम में हुआ था, वैशाली गणतंत्र के कुंडा ग्राम में हुआ था। थैंक यू। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 10, केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? इस लड़की से पूछ लेते हैं। बोलो, ये बोल सही है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। केरल की राजधानी तिरुवंतपुरम में है, तिरुवंतपुरम। कल जो न तुझसे मिला मैं होता, आज ना बिछड़ने
की बात ये होती, ना तो तुझे पाने की खोज ही होता, ना तो तुझे खोने की खौफ ही होती, काश पहले तू मिला होता, थोड़ा सा बुरा होके जा हमसे जुदा होके, जिले तू बेवफा होके जा हमसे जुदा होके, जिले तू बेवफा होके। थैंक यू। हेलो गाइस, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टीवी क्लासरूम का सदस्य बन जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू। आज का जीके क्विज यही समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट को जीके क्विज में भाग लेने के लिए, आंसर देने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू काजल कुमारी। काजल कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ताली तो कम से कम मन से बजा सबको। फ्री में गाना नहीं मिलेगा सुनने के लिए, समझ में। आप लोगों के सामने रिया कुमारी एक संगीत प्रस्तुत कर रही है, शांतिपूर्वक सुनेंगे क्योंकि यह बहुत मधुर गाना गाती है। मनी साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाब जी देखे हैं सब जी, फिर भी ना समझे सारे, मनी साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना समझे इशारे, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रे साहिबो धीरे धीरे, बेगाना धीरे धीरे, अपनों से धीरे धीरे, लग रे साहिबो साहिबो, सुर्खियाँ है जो हवा दिलों को मिलने से, हो रजिया है नजारों में, लम्हाए थम जाने की कैसे हुजूर से ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के नजरों को चुराए, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, थैंक यू रिया कुमारी। रिया कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सभी बच्चे दिल से ताली बजाएं इनके प्रयास के लिए। हेलो गाइस, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टीवी क्लासरूम का सदस्य बन जाएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। आज का जीके क्विज यही समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट को जीके क्विज में भाग लेने के लिए, आंसर देने के लिए, मधुर संगीत प्रस्तुत करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।